ला बरकत ला, उधर का माल इधर ला। उधर का माल अच्छा काम करने निकले हैं, ये भी पूरे व्हाइट होने वाले हैं, क्योंकि खड़े तो व्हाइट काम हो रहा है और हंगामा करने वाले हैं, धमाल करने वाले हैं, जाहिर सी बात है बोल चुके हैं कि अभी देखिए क्या बात है, देखिए ब्लैक ब्लैक व्हाइट पूरे करने की तैयारी है। इंडिया सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। आदाब, मैं सलीम रहमान, आप देख रहे हैं पोल इंडिया न्यूज। और जिस तरीके से परुल जी से भी मेरा बात हुआ, और ऑलरेडी बॉलीवुड का सेकंड होम अगर देखा जाए तो यूएई बन चुका है, दुबई बन चुका है। और सबसे पहले यूएई में आपका बहुत बहुत खैर मकदम एंड स्वागत है पूरी टीम का, और बेस्ट ऑफ लक, कांग्रेचुलेशन आगे के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप? बस आगे के लिए यही कहना चाहेंगे कि बरकत हो या अल्लाह, बरकत ला उधर का माल इधर ला। उधर का माल इधर का माल इधर ला। तो बस यही है कि अच्छा काम करने निकले हैं, अभी ऊपर वाला क्या साथ देता है। आई बिलीव दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म सबके लिए, स्ट्रगल कम हो जाएगी, एक ही बटन पे चीजें हो जाएगी, ना हजारों ऑडिशन देने पड़ेंगे, ना लाखों रुपए की बर्बादी होगी। बेचारे बहुत से लोग हैं जो कितनी डिफरेंट डिफरेंट सिटी स्टेट्स गांव खेड़े से आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसके बाद निराश होकर चले जाते हैं। तो उसी के लिए है, और अपने पूरे वर्ल्ड में इतना टैलेंट है, तो बस उसी टैलेंट को हम आगे करेंगे। जाहिर सी बात है, जब सीनियर पर्सनालिटी से आपके साथ खड़े हैं तो माल तो ले जाना तो छोड़िए, लाना भी छोड़िए, सारे पूरा इधर ही रखना है कहीं ना कहीं। आपको भी बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये दुआ करूंगी कि सब्सक्रिप्शन आए, लोग अपना टैलेंट दिखाएं अपने पोर्टल पे, और जो हमारा सपना था कि लोगों को एक नया फेस दे इंडस्ट्री में, एक नया फेस लेके आए, वो हम पूरा कर सकें इस पोर्टल के थ्रू। और बहुत सारे न्यू टैलेंट्स को चांस मिलने वाला है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है, वेब सीरीज, फिल्म, सॉन्ग्स हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड, आई थिंक बहुत सारे नए फेसेस आने वाले इंडस्ट्री में। तो आप लोग अपना कुर्सी के पेटी बांध लीजिए, पेटी बांध लीजिए, बहुत बड़ा धमाल होने वाला है। और जैसे मैंने सीरियन पर्सनालिटी की बात की, ऑलरेडी खड़े हैं, किसी तारीफ के किसी नाम के मोहताज नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? बस हम लोग सपोर्ट करने आए, हमारे बेस्ट विशेस और हमारी ब्लेसिंग्स देने आए हैं, इनको सपोर्ट करने आए कि नई चीज ला रहे, जो नए टैलेंट लेके आए, जो पूरे पूरी दुनिया भर में और हर जगह जो नए टैलेंट है जिनको मौका नहीं मिलता, तो उनको मौका मिलेगा विदाउट एनी मशक्कत, मेहनत, ये स्ट्रगल। तो ये बहुत अच्छी बात है, और हमारा सपोर्ट इनके साथ हमेशा रहे। सबसे अच्छा जो बात अभी का प्लेटफॉर्म जो मिल रहा है, आपको चने चबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले आपको पेच करना चाहिए, आना चाहिए, और जब इन नए अच्छे टैलेंट को इन जैसे लोग अगर डायरेक्ट करेंगे, तो आप सोचिए जैसे प्रीति जिंटा को इन्होंने ले आया है, विपाशा भी, तो और कितने टैलेंट्स, तो इनकी तो लिस्ट ही लंबी है। बॉलीवुड में अभी तक जो थाली परोस रहे हैं उससे कहीं हटकर थाली यूएई में रहेगी क्या? परोसने का ढंग अलग रहेगा। हम तो है ना, दूध में शक्कर है, हम ऐसे घुल मिल जाते हैं, तो हमको कहीं भी आप बिठा लो, हम किसी के भी हो जाएंगे। किसी के भी हो जाएंगे बिल्कुल, यानी दिल हो या दिमाग हो, कोई भी बात नहीं करनी, सीधे दिल में जाके बसना है। जी सर, क्या कहेंगे? नहीं, आज हम लोग तो बहुत खुश है, पूरा माहौल देखा, पूरा सबके रिएक्शन देखे, सबके चेहरे पे एक कॉन्फिडेंस था, सब हंसी थी, इनके पार्टनर्स, इनके जो मधु भाई, इनके लिए हम लोग बहुत दुआ करते हैं, और इनके लिए गौरंग जोशी के लिए बहुत दुआ करते हैं, इनको सक्सेस मिले, इनकी मेहनत हम लोग ने देखी, इनका कॉन्फिडेंस हमने देखा है, तब तो हम लोग यहाँ पर आए हैं, समझे ना, कि अभी दुबई में यहाँ पर कुछ हंगामा होने वाला है, कुछ ना कुछ बड़ी चीज करने जा रहे हैं, तो देखा तो रियली बड़ी चीज होने वाली है, तो उनको बहुत कॉन्फिडेंस है, और 21 साल के अंदर देखना, नेक्स्ट ईयर हम लोग वापस यहाँ पे इंटरव्यू देते होंगे, तो कुछ ना कुछ और बड़ा होगा। जी, आपकी क्या विशेष रहेंगी? नहीं भाई, इन्होंने जो कहा वही है भाई, इंशाल्लाह के लिए हमारी दुआ है इनके साथ। सर, मुझे इन जैसे टैलेंटों को, इन जैसे डायरेक्टर को ढूंढना है, अब कहाँ से लाएंगे?
तो उसी मशक्कत में हम लगे हुए हैं। नहीं नहीं, अब कहाँ से लाएंगे, तो वो तो ला लिए हैं, आपने सामने खड़े हैं, और जो दुआ की बात हुई है ये जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास लेगेसी कौन चलाएगा, तो कहीं ना कहीं इनके जैसे भी हमें ढूंढने तो पड़ेंगे ना, कि हमारी सबकी लेगेसी आगे चलाए, बिकॉज वो तो रहे नहीं है अब तो। बिल्कुल मिल जाएगी, और जैसे सबसे लास्ट में बात कर दुआ, तो जाहिर सी बात है अगर हम पिछले 2 साल बैक करें तो कोविड हमारे सामने से गुजरा है, वहाँ हमारा पैसा काम नहीं आया, धन काम नहीं आया, वहाँ सिर्फ काम आई है, तो दुआ काम आई हुई, इसलिए हर एक दूसरे से एक दूसरे के लिए आप लोग दुआएं करते रहिए। और टीम की जो बात हो रही है, काफी जल्दी ये जो ब्लैक दिख रहे हैं ये भी पूरे व्हाइट होने वाले, क्योंकि जाहिर सी बात है चार चार व्हाइट जब खड़े व्हाइट कॉलर के साथ खड़े हैं तो व्हाइट काम हो रहा है, और हंगामा करने वाले यानी धमाल करने वाले जाहिर सी बात है बोल चुके हैं कि अभी देखिए क्या बात है, देखिए ब्लैक ब्लैक व्हाइट पूरे करने की तैयारी है, ऑनलाइन सीनियर पर्सन इसी को कहा जाता है, सीनियर पर्सन इसी को कहा जाता है, जाहिर सी बात है, तो बिल्कुल धमाल कीजिए। रेस आपकी है? नो, रेस में मुझे पता है सीनियर्स खड़े हम रेस में नहीं है, तो बहुत जल्दी जिस तरीके से कहा गया यूई के अंदर लॉन्च किया गया। कैमरामैन अल्तमश अंसारी के साथ सलीम रहमान, बोल इंडिया न्यूज़, दुबई।